वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में देखेंगे गियर्स, और गियर में हम लोग जानेंगे गियर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ गियर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गियर को समझ लेते हैं, गियर क्या है इसको हम बेसिक से समझते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में बाद में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि गियर है कैसी और कैसे काम करता है। इससे पहले हम लोगों ने, इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने बेल ड्राइव, प्रोब ड्राइव और चैन ड्राइव को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है उसे तो उसे भी देख लें। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन हम लोग पढ़ा था जो बेल ड्राइव की बात करें, और उससे पहले रोप ड्राइव की बात करें। अगर रोप ड्राइव देखा जाए तो उसमें एक शाफ्ट अगर यहाँ पर है और दूसरी शाफ्ट यहाँ पर है, पावर का ट्रांसमिशन करना है तो हम लोग यहाँ पर जो है पुली लगा करके ऐसे पावर का ट्रांसमिशन जो है रोप लगा करके इस तरह से किया जाता था। और इसी प्रकार से हम लोग बेल्ट का भी ट्रांसमिशन करते हैं। तो दोनों रोप और बेल्ट में क्या अंतर आता था कि रोप के लिए, मतलब कि अगर रोप का यूज कर, रस्सी का यूज कर रहे हैं, रस्से का यूज कर रहे हैं, तो दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी जब बहुत ज़्यादा होती थी तो वहाँ पर हम लोग रस्से का यूज करते थे, रस्सा चालन का यूज करते थे रोप ड्राइव का। और जब बेल्ट ड्राइव का यूज करते हैं तो शाफ्ट के बीच की दूरी, दोनों शाफ्ट के बीच की दूरी कम हो जाती है, रोप की अपेक्षा जो है, रस्से की अपेक्षा जो है दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे बेल ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेल ड्राइव के बाद हमने पढ़ा था चैन ड्राइव। चैन ड्राइव में क्या होता है, दोनों शाफ्टों के बीच की दूरी और भी कम हो जाती है, एकदम पास में हो जाती है, बस थोड़ी सी डिस्टेंस रह जाती है। तो हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग चैन ड्राइव का यूज करते हैं। और जब शाफ्ट की दूरी और भी कम हो जाए, एकदम पास पास आ जाए, तो हम लोग वहाँ पे गियर ड्राइव का यूज़ करते हैं, जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पर एक गियर है और दूसरा गियर यहाँ पर है, और दोनों की शाफ्ट एकदम पास पास हैं, ठीक है। और ये दोनों गियर आपस में फंस करके चल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये बात समझ में आई, जब पावर का ट्रांसमिशन ऐसे कंडीशन में किया जाना हो जब दोनों के शाफ्टें बहुत ही पास हो, तो हम लोग वहाँ गियर ड्राइव का यूज करेंगे, ठीक है। अब आगे समझते हैं गियर ड्राइव कैसे वर्क करता है। जैसे कि हम लोग अगर यहाँ पर समझना चाहें, अगर दो हम व्हील ले लें, दो पहिया ले लें, ठीक है, एक पहिया यहाँ लगा दें, दूसरी पहिया इससे सटा कर लगा दें, ठीक। और हम इस वाले पहिया का अगर रोटेट कराएं तो ये वाला पहिया भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। अगर इसको घुमाएं और इसे सटा करके इसको हम रखे हुए हैं तो ये भी रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये रोटेट किसके वजह से करेगा, ये रोटेट फ्रिक्शन की वजह से करेगा, जो घर्षण बल होगा, जो घर्षण होगा उसके कारण ये रोटेट करेगा। लेकिन हम इसे बहुत तेज़ी से घुमाने लगें तो ये भी बहुत तेज़ी से घूमने लगेगा, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि ये जितना तेज़ी से घूम रहा है एकदम उसी के अनुसार ये घूम रहा है, क्योंकि बीच में क्या हो सकता है, इसमें स्लिप हो सकता है। हो सकता है जितना तेज़ हम घुमा रहे हैं ये इतना तेज़ ना घूम रहा हो, ठीक है। अगर हम इसके मेजर करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें स्लिप होता है। स्लिप होने का ये मतलब कि जितना पावर हम यहाँ पर दे रहे हैं उतना पावर यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, जितनी गति हम दे रहे हैं इसको उतनी गति यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, बीच में जो है स्लिप हो जा रहा है, पूरी तरह से फ्रिक्शन के कारण पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने क्या किया, दोनों पहिए में दांते बना दिए, इस तरह से दांते बना दिए और इसमें भी दांते बना दिए, जिसके कि इसका दांत और इसके दांत आपस में मिल के चलें। जैसा कि हम लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कि दोनों के दांते आपस में मिल के चलते हैं, ठीक है। तो इससे स्लिप वाली जो घटना थी, जो स्लिप का जो कंसेप्ट था वो ख़त्म हो गया, अब इसमें बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता। इसी नाते इसको बोलते हैं पॉजिटिव ड्राइव, धनात्मक चालन, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल भी स्लिप नहीं होता है, और एक दांता दूसरे दांते में फंस के चलता है, जिसके कारण पावर का ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। यह है इसकी बेसिक नॉलेज। इसमें देखिए, और जिसमें लिखा हुआ, जिसमें दो गियर है, एक को बोला गया है ड्रिवन, एक को बोला गया है ड्राइविंग, ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने जो पिछले बार भी पढ़ा था जो बेल्ट और रोप और चैन ड्राइव के बारे में, तो वहाँ पर भी इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ दिखाया गया चालक और चलित। चालक मतलब कि वो जिसमें पावर होता है, ठीक है। चलित मतलब जो चल रहा होता है उसके द्वारा वो चलित हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, और इसके बारे में किसको क्या कहते हैं, किसको पिच कहते हैं, किसको
पिचविथ कहते हैं, किसको एडेंडम कहते हैं, किसको रिडेंडम कहते हैं, तो ये सब चार इसके जो पार्ट्स के बारे में है इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बस हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और क्लासिफिकेशन के बारे में इसके हम जानेंगे। अगर डिफिनेशन लिखना हो तो किस तरीके से इजीली इसका हम डिफिनेशन लिखेंगे ये बात हम लोग देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन है ही डालेंगे और बस एक लाइन में इसके डिफिनेशन को दे करके हम लोग साइड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च नहीं करनी है। देखिए, जिस बेलनाकार दृढ़ चकती की वक्राकार सतह पर, वक्राकार सतह मतलब कि अगर कोई चकती की बात की जा रही है, मतलब डिस्क की बात करें जो हमने समझाया अभी, कि वक्राकार सतह मतलब ये वाली सतह, मतलब कि उसकी परिधि या परिधि पर समान आकार के दांते बने होते हैं, उस दृढ़ चकती को गियर कहते हैं। मतलब ऐसा डिस्क जिसके की परिधि पर दांते बने होते हैं उसको हम लोग गियर कहते हैं। बस इतना ही इसका सिंपल सा डिफिनेशन है। जिस बेलनाकार दृढ़ चकती की वक्र सतह पर या फिर परिधि पर समान आकार के दांते बने होते हैं उन्हें गियर कहते हैं। बस इतना ही डिफिनेशन, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा दिमाग है, ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं तो बाकी चीज़ें पढ़ सकते हैं, बाकी जानकारी काफ़ी है, इतना ठीक है। उसके बाद से ये सारी बातें जो हमने बताया है आप उसे लिख दीजिए, ठीक है। और ये इसमें पावर का ट्रांसमिशन दांते एक दूसरे के फंस के चलते हैं, इस वजह से होता है, इसमें कोई भी स्लिप नहीं होता है, इसको पॉजिटिव ड्राइव कहते हैं, इसे धनात्मक चालन कहते हैं। इसमें जब दो गियर आपस में चलते हैं तो दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। अगर इस गियर इधर की तरफ घूमेगा, दूसरा जो है इसकी इधर की तरफ घूमेगा, मतलब कि एक अगर क्लॉक वाइज चलेगा, दूसरा एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। जब एक्सटर्नल गियर की बात की जाए, जो फिगर में बना हुआ है, अगर इसकी बात की जा रही है तो ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये थियोरी पढ़नी है तो इसका PDF आप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन खोलेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, इसको डाउनलोड करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ये आपके बुक का ही नोट्स है, अगर आप इस बुक से पढ़ते हैं तो आपके पास ये नोट्स भी होगा, अगर नहीं पढ़ते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। तो आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ें, आगे बात करनी है क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स के बारे में। क्या क्लासिफिकेशन है गियर, गियर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो गियर को जो है डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर किया गया है। तो पहला जो आधार बताया गया है, वो बताया गया है शाफ्ट की अक्ष की स्थिति के आधार पर। जो शाफ्ट है, जिस शाफ्ट पर गियर को लगाया जाता है उसकी स्थिति के आधार पर, जो शाफ्ट है उसकी स्थिति के आधार पर, कैसे कैसे शाफ्ट हो सकता है, हम यहाँ बात करेंगे दो गियरों को आपस में जोड़ने के लिए गियर के माध्यम से। दो गियर जो दोनों शाफ्ट हैं, दोनों शाफ्टों पर गियर लगे हुए हैं और इन शाफ्टों को आपस में गियर के माध्यम से जोड़नी है। तो किस किस कंडीशन में शाफ्ट होगा तो गियर द्वारा इसका जोड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा, ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के पोजीशन के अनुसार। तो पहला ऑप्शन है, पहला जो दे रखा है समांतर, पैरेलल। समांतर कब होगा, जब समांतर का मतलब समझते हैं कि एक शाफ्ट यहाँ दूसरा शाफ्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, तो वो समांतर होगा। काटने वाला, इंटरसेक्टिंग, मतलब कि एक शाफ्ट ऐसे हो दूसरा शाफ्ट ऐसे हो, एक दूसरे को काट रहे हो, तब जाकर के इन दोनों को जोड़ने को पावर ट्रांसमिशन करना हो तब देखेंगे। दूसरा है ना तो काटने वाली ना ही समांतर, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल, ऐसा हो कि दो काटती भी नहीं हो और समांतर भी ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा इस तरीके से हो सकता है, जब दोनों को साफ समय दोनों उंगली को, तो साफ्ट ऐसे हैं तो समांतर हो गया, अगर एक दूसरे को काटता है मतलब कि एक ही प्लेन में जा रही है तो एक दूसरे को काटता है तो ऐसा हो गया। अब जब काटता भी नहीं है समांतर भी नहीं है, तो देखिए समांतर है, अगर ये नीचे कर दिया तो समांतर, और ये दूसरे को काटता भी नहीं क्योंकि क्या है, एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं, एक ही सरफेस में नहीं है, एक ही प्लेन में नहीं है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसे बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल, ठीक है। ये जब ऐसा केस होता है तब पर भी गियर का यूज किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से किया जाता है ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं आगे दूसरा जो है, अकॉर्डिंग टू द पेरिफेरल वेलोसिटी ऑफ द गियर, मतलब गियर की जो वेलोसिटी है, जो गियर की गति है उसके अनुसार। तो पहला जो है लो वेलोसिटी, इसमें क्या होता है, लो वेलोसिटी जो है गियर की जो गति होती है वो 3 मीटर पर सेकंड से
कम होती है। जो गियर की गति होती है वो 3 मीटर पर सेकंड से कम होती है। मीडियम वेलोसिटी इसमें 3 मीटर से लेकर के 15 मीटर के बीच होती है। मीडियम वेलोसिटी में जो गियर की स्पीड होती है वो 3 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड के बीच होती है, या तो फिर ये कहा जाए कि 15 मीटर पर सेकंड तक होती है, ठीक है। हाई स्पीड वेलोसिटी मतलब जब 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ज़्यादा से गियर चल रहा हो तो उसे बोलेंगे हाई स्पीड गियर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे स्पीड के अकॉर्डिंग हो गया, वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हो गया, हाई वेलोसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। नेक्स्ट जो है अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गियर, गियर के टाइप्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि एक्सटर्नल गियर, इंटरनल गियर है कहीं पर। एक्सटर्नल मतलब कि जहाँ पर दांते बाहर की तरफ कटे हों, जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा है इन सबके दांते बाहर की तरफ कटे हुए हैं। और इंटरनल का ये मतलब जब दांते अंदर की तरफ कटे हों। रैक एंड पिनियन की बात करें तो अभी इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया जाएगा, तो वहाँ पर उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया गया समांतर अक्षों वाली शाफ्टों को जोड़ने वाले गियर, ऐसे गियर जो समांतर शाफ्ट हों। समांतर शाफ्ट के बारे में हमने बात किया कि इस तरीके के शाफ्ट हों, ठीक है, जब दोनों एक ही प्लेन में शाफ्ट हों, उनको जोड़ने वाले गियर के आधार पर कौन कौन से जो हैं जो समांतर शाफ्टों को जोड़ते हैं, कौन कौन से गियर हैं। पहला जो गियर है वह स्पर गियर बोलते हैं, ठीक है, स्पर गियर। और दूसरा जो है रैक एंड पिनियन है। और तीसरा जो है हेलिकल गियर है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, हेलिकल गियर, सिंगल हेलिकल गियर एंड डबल हेलिकल गियर, ठीक है। इसे हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा गियर है, अब यहाँ से यहाँ पर क्लासिफिकेशन ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से हम लोग इसका डिटेल स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्पर गियर क्या होता है, देखिए स्पर गियर को हम समझा देते हैं किस तरीके से। हम यहाँ पर जैसे इमेज में आप देख रहे हैं, ये हमारा स्पर गियर है, ठीक। और यहाँ पर दो गियर, जैसे कि ये गियर है और ये दूसरा, दोनों गियर जो है आपस में लगे हुए हैं। और दोनों की जो शाफ्ट है वो एक दूसरे के समांतर है। किस तरीके से समांतर, अगर इस वाली इमेज में देखेंगे तो यहाँ तक बड़ा वाला ये वाला गियर है और फिर छोटा वाला यहाँ पर लगा, जहाँ तक ये लाइन खींची गई ये वाली, ठीक है ना। तो अगर टॉप से देखा, इसका टॉप व्यू ये बनाया गया, टॉप से देखा जाएगा तो ये हमारा छोटा वाला यहाँ पे, बड़ा वाला यहाँ पर, ये जिसमें शाफ्ट लगा हुआ है, अगर इसमें से जो होल है उसमें से गियर शाफ्ट लग जाए तो ये शाफ्ट लगा, ये दोनों शाफ्ट एक दूसरे के एकदम समांतर है। यहाँ पर लिखा गया समांतर शाफ्ट अच्छे हैं, ठीक है, तो ये दोनों समांतर शाफ्ट हैं, ठीक है। तो समांतर शाफ्ट पर जोड़ने के लिए हम लोग स्पर गियर का यूज़ करते हैं। स्पर गियर होता कैसा है, जैसा कि इस पर देखेंगे अगर ध्यान से, इस पर जो दांते बने हुए हैं एकदम सीधे सीधे दांते बने हुए हैं, ठीक है, एकदम सीधे सीधे। अगर ये तरह से कहा जाए, जो इसमें शाफ्ट की जो अच होगी, जिसमें शाफ्ट लगेगा उसकी जो एक्सिस होगी, उसी के समांतर जो है इसके दांते भी हैं, ठीक है, शाफ्ट के अच के समांतर इसके दांते हैं। मतलब किस तरह से कह सकते हैं कि स्पर गियर में दांते शाफ्ट के अच के समांतर होती हैं, ठीक है। तो देखेंगे तो यहाँ पर जो दांते हैं वो भी सीधी 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 हैं और शाफ्ट के अच के समांतर हैं। अगर इस तरह से कहा जाए स्पर गियर में गियर के दांते शाफ्ट के समांतर, शाफ्ट के अच के समांतर होती हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें। और ये जो दांते बाहर की तरफ बने होते हैं उसे बोलते हैं एक्सटर्नल गियर, यानी कि बाह गियर, यानी कि इसके दांते बाहर की तरफ बने हुए हैं। अगर यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या है, दांते अंदर की तरफ बने हुए हैं, तो इसको बोलते हैं इंटरनल गियर या फिर अंतर गियर, ठीक है। तो एक बात और ध्यान दीजिए कि जो एक्सटर्नल गियर होता है, बाहरी गियर होता है, उसमें जो घुमाव गति होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। अगर एक गियर क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा गियर जो उसके साथ होगा वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और इसी इंटरनल गियर में क्या होता है, दोनों एक ही दिशा घूमता है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बाहर वाला भी क्लॉकवाइज, अगर एक एंटी क्लॉक घूम रहा है तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। मतलब कि एक्सटर्नल गियर में गियर के घूमने की दिशा, मतलब गियर के घूमने की दिशा जो है आपस में विपरीत होती है और इंटरनल में एक समान होती है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो पॉइंट वाइज सारे बातें एग्जाम में लिखिएगा, ठीक है, और इस नोट्स को हम डाल देंगे, आप इसे खुद से पढ़ के समझिएगा, दोनों समझ में उससे कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। इसके अलावा जो है हम आपको बताएं कि इसमें जो छोटा गियर होता है, जैसे कि एक बड़ा गियर है और छोटा गियर, इसमें एक बड़ा है और एक छोटा है,
तो ये छोटे वाले गियर को हमेशा हम लोग पिनियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिनियन कहते हैं। अब बड़े वाले को गियर ही बोलते हैं। अगर हम भी आप लोग इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है पिनियन और यहाँ पर लिखा हुआ है गियर। ठीक है तो दोनों गियर ही, लेकिन जो छोटे साइज़ का होता है उसको हम लोग पिनियन कहते हैं और जो बड़े साइज़ का होता है उसे हम लोग गियर कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बाय बाय वगैरह में ये बातें पूछी जाती हैं। इसी तरह से इसमें देखिए तो यहाँ पर छोटा वाला गियर जो अंदर की तरफ है इसको पिनियन कहा गया है, बाहर वाले को जो है हम लोग गियर कहते हैं, बलई गियर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है तो ये गियर कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और एक चीज़ और, इस वाले गियर पे जो पावर का ट्रांसमिशन करते समय जो लोड आता है वो एक दांत पे आता है। ठीक है, एक दांत को ही क्या करता है, ये बल लगा कर घुमाने की कोशिश करता है। जो भी पावर या फिर जो स्पीड का ट्रांसमिशन किया जाता है तो पूरा लोड जो है एक गियर के दांते पे आता है। और इसलिए जब चलता है तो इसमें अपेक्षाकृत, मतलब कि बाकी और गियरों की अपेक्षा इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है। ठीक है, स्मूथ नहीं चलता है, इसमें आवाज़ ज़्यादा आती है। ये चीज़ें हो गई स्पर गियर के बारे में। आप इसे अच्छे से सुन लिए हैं, समझ लिए हैं, अगर नहीं तो वीडियो को एक बार फिर से इसको देखिएगा, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए जिसके बारे में कहा था रैक एंड पिनियन के बारे में, तो ये देखिए रैक और पिनियन के बारे में। ये है पिनियन, तो हमने बता दिया जो छोटा गियर होगा वो पिनियन होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये जो है ये बहुत बड़ा गियर है। ठीक है, इसमें दांते बने हुए, इसकी लंबाई जो है अनिश्चित होती है, फिर कहा जाए अनंत होती है। अनंत मतलब कि इस अनंत कहा जा रहा है कि जहाँ पर जितनी आवश्यकता होती है इसकी आवश्यकता के अनुसार इसकी दांतों की संख्या, मतलब इसकी लंबाई, इस गियर की लंबाई हम ले सकते हैं। ठीक है, इससे यहाँ पर कहा जाता है कि जो रैक होता है उसमें दांतों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, यही एग्जाम में आपको लिखना भी है, क्योंकि इसके कोई डिफाइन नहीं होता है कि आपको इतना लंबा ही यूज़ करना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको लंबाई को बढ़ा और घटा सकते हैं। ठीक है, पिनियन लोग इसके अपेक्षा ये छोटा गियर है तो इसे हम लोग पिनियन कहते हैं, जो कि गोल होता है। ठीक है, और एक चीज़ जानिए कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता है। इसका यूज़ जो है, अगर पिनियन रोटेटिंग मोशन करता है, घुमाव गति करता है, तो रैक क्या करता है, स्लाइडिंग मोशन करता है, पश्चात गति करता है, आगे पीछे घूमता है। तो इसका यूज किया जाता है रोटेटिंग मोशन को रिसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर जस्ट इसी का उल्टा, रिसिप्रोकेटिंग मोशन को जो है रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। एग्जाम में आएगा तो आप लोग ये फिगर बना करके आएंगे, ये हमने केवल समझाने के लिए आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आइए इसको पढ़ भी लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इसमें बताया गया है रैक की पिच सतह समतल तथा वृत्त पिच होती है। यह अनंत त्रिज्या का एक वृत्त होता है जिस पर एक स्पर गियर की तरह दांते होते हैं। एक छोटा गियर इसके साथ जोड़ा जाता है जिसे पिनियन कहते हैं, इसे पिनियन कहते हैं। रैक पर दांते की संख्या अनंत होती है, इस जिसे रैक बोलते हैं। ठीक है ना, इसे रैक बोलते हैं, ये भी रैक है। ठीक है, रैक बोलते हैं जिसमें दांतों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, रैक तथा पिनियन का उपयोग पिनियन की घुमाव गति को रैक की सरल गति, सरल रेखीय गति में बदलने के लिए तथा इसके विपरीत किया जाता है। मतलब कि इसे घुमाव गति को सरल रेखीय गति में बदलने के लिए, इसके सरल रेखीय गति को घुमाव गति में बदलने के लिए किया जाता है। जैसे भी आवश्यकता होगी हमें ऐसा यूज हम लोग करेंगे, जैसे ही मशीनरी में इसका यूज करना होता है वैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो वीडियो हो चुका है काफ़ी लंबा, तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं, इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए। ठीक है, और कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।